आंध्र प्रदेश के एलुरु में दीपावली के दिन एक भयंकर पटाखा विस्फोट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब एक स्कूटी पर सवार 3 लोगों के पास पटाखों का कार्टून अचानक से ब्लास्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 लोग सफेद स्कूटी पर एक संकरी गली से तेज गति से गुजर रहे थे। दोपहर 12:17 पर जब स्कूटी एक गड्ढे के पास पहुंची, तो कार्टून नीचे गिर गया, जिससे आईईडी बम जैसा तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज बेहद तेज थी, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। विस्फोट के बाद इलाके में धुआं छा गया और चारों ओर कागज के टुकड़े उड़ गए। जैसे ही धुआं साफ हुआ, 2 लोग किसी तरह से विस्फोट से बचकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए। पुलिस ने बताया कि स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति की पहचान सुधाकर के रूप में हुई है। घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि पटाखों के कारण इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ। उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी कर दी है।